अचानक से मौसम खतरनाक हो गया है, आप लोग देख रहे हैं अचानक से। अभी अभी मैंने SGM नगर से एक रिपोर्ट बनाई थी लाइव, तब कुछ नहीं था और अचानक आंधी तूफान शुरू हो गया और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। बूंदाबांदी तो करीब 2 घंटे से चल रही है, लेकिन इस तरह की तेज़ हवाएं अभी अभी अचानक से चलनी शुरू हुई हैं, तो बहुत ही ख़तरनाक मौसम इसको बोलेंगे। आप लोग देख रहे हैं पेड़ वेड़ कभी भी गिर सकते हैं, तेज़ हवाएँ चल रही हैं। ये हमारे सामने का पार्क है, आप लोग देख रहे हैं पूरा ब्लैक हो गया है, अंधेरा हो गया है, ऐसा लग रहा है रात हो गई, जबकि अभी सिर्फ 5 बज रहे हैं और 5 बजे अचानक से 7 बजे जैसा नज़ारा दिख रहा है और तेज़ हवाएं चल रही हैं। अचानक से बिगड़ गया मौसम और बहुत ख़तरनाक मौसम इस वक्त फरीदाबाद का है। फरीदाबाद 92 में हम हैं, आप लोग देख रहे हैं हमारे घर के सामने किस तरह से ख़तरनाक मौसम दिखाई पड़ रहा है। तेज़ हवाएं चल रही हैं और बूंदाबांदी शुरू हो गई है। वैसे तो बारिश की प्रेडिक्शन हुई है आज, लेकिन इस तरह से तेज़ हवाओं की प्रेडिक्शन नहीं हुई थी, और जो प्रेडिक्शन हुआ है, जो मौसम विभाग है उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था वो ठीक हुआ है। कम से कम बारिश भी शुरू हो गई और आंधी तूफान भी शुरू हो गया है। बाकी आपके आसपास कैसा मौसम है, आपकी गली में, मोहल्ले में, सेक्टर में, कॉलोनी में, आपके ज़िले में, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, नोएडा, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा आसपास कैसा मौसम है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमें भी पता चले आपके यहाँ कैसा मौसम फ़िलहाल है। तो दोस्तों सूचनाएं शेयर ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। फ़िलहाल मौसम काफ़ी ख़तरनाक दिखाई पड़ रहा है, अगर कोई अपडेट होगी तो ज़रूर आपको बताएँगे। इससे गेहूँ को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि अगर गाँव में इस तरह की तेज़ हवाएँ चलेंगी तो जो फसल है वो गिर जाएगी और काफ़ी नुकसान हो जाएगा। भगवान करे गाँव में इस तरह की तेज़ हवाएं और बारिश ना हो। बस यही बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।